बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10:30 और मैंने अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। अभी वापस मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ अपने। तो अच्छा फ्राइडे, वैसे तो फ्राइडे को आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, पूरा क्लोज है सब कुछ, देखिए यहाँ पे पूरा एकदम बंद है। सो अभी जाऊँगा फ्रेश व्रेश होकर के फिर नमाज़ पढ़ने जाएँगे। नमाज़ पढ़ के आके देखते हैं आज क्या है, क्या करना है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे कुकिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा शिफ्ट थोड़ा लेट से है और मेरे को भूख भी बहुत लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बनाता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं क्या बना सकते हैं। रूम पे आया, रूम पे आते ही देखा मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया पूरी तरह से अचानक से, पता नहीं क्या हुआ। लाइक मेरा 30% बैटरी था, 30% के बाद आराम से पूरा ड्रेन हो गया बैटरी। अब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है बैटरी कुछ प्रॉब्लम हो गया है। जस्ट मैंने अभी चार्ज पे दिया है और चार्ज पे देखकर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी जाके फ्रेश व्रेश सोच लेते हैं, उसके बाद थोड़ा मैं बाहर जाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा। नमाज़ पढ़ के मैं देखता हूँ मुझे कुछ थोड़ा सामान लेना है। मेरे पास सोयाबीन नहीं है, सोयाबीन खत्म हो गया, तो मैं सोयाबीन लेने जाऊँगा, सोयाबीन ले लूँगा। राइस तो है, राइस मैं लगा दूँगा, राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं, सोयाबीन मुझे बस लेना है। मैं बाहर जाकर के सोयाबीन लूँगा, सोयाबीन लेकर के आके दिन कुकिंग थोड़ा करते हैं, कुछ बनाते हैं सोयाबीन की करी। मुझे सोयाबीन खाना बहुत पसंद है, तो सोयाबीन की करी मैं बनाने वाला हूँ आज, तो मैं दिखाऊँगा उसमें कैसे क्या है। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, 10 से 15 मिनट में मैं नमाज़ पढ़ने के लिए निकलने वाला हूँ। और नमाज़ पढ़ने के बाद देखता हूँ अगर कोई शॉप वगैरह खुली रहेगी तो थोड़ा ग्रोसरी का सामान लेना है, जैसे सोयाबीन वगैरह, तो मैं ले लूँगा। अदरवाइज़ फिर मैं कुछ और बना लूँगा अगर शॉप नहीं खुली, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के तुरंत बाद शॉप नहीं खुलती है, थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 10 to 20 मिनट्स। और उस बीच में मैं इतना वेट नहीं कर सकता बाहर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है बाहर वेट करने में कि काफ़ी ज़्यादा धूप रहता है और धूप में यार एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बेटर वही रहेगा कि मैं वापस आ जाऊँगा रूम पर और फिर बाद में लूँगा और मैं करी बना के काम चला लूँगा। अगर शॉप खुला रहा तब तो मैं ले लूँगा, तो देखते हैं अभी चलते हैं थोड़ी देर में। सर अभी काफ़ी शांत माहौल है यहाँ पर, देखिए धूप वैसे आज उतना तेज़ नहीं है, आज उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, आई थिंक 38-40 होगा ऐसे, यहाँ पे 47-48 चला जाता है, बट आज जितना लग नहीं रहा है मुझे, मुझे लगता है आज आई थिंक 38 या 40 के अराउंड है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, बट फिर भी यहाँ सब गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं इधर। ये देखो यहाँ पे पूरा रोड अभी ब्लॉक है पूरा, जैसे निकलते हैं खत्म है पूरा। क्या हुआ कि मैं सोचा था कि नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सामान ले लूँगा, बट मैं जल्दी जल्दी में जब नमाज़ पढ़ने गया ना, तो उस टाइम पे मैं अपना वॉलेट ले जाना ही भूल गया, और वॉलेट ले जाना भूल गया। मैं शॉप पे एंटर करा और वहाँ पे चेक कराऊँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ना मेरे पास कार्ड था ना मेरे पास कैश था। तो फिर मैं रिटर्न आ गया हूँ। अभी मैं क्या करूँगा कि जो भी चीज़ रूम पे है, एक करी मतलब अंडा है, तो उसी से मैं एक करी वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ, तो वही से बना लेंगे। लेट्स सी, अभी काफ़ी ज़्यादा बाल छूटे पूरे। अभी मैं एंटर कर गया हूँ अपने फ्लैट में, अपार्टमेंट में, अभी रूम पर एंटर करने वाले थोड़ी देर में, देखता हूँ चाबी तो नहीं भूल गया, चाबी भी भूल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके ये हमने खोल लिया, खुलना भाई। सो आ गए हम लोग, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं था, मतलब एक नॉर्मल गर्म था, इतना गर्म भी नहीं था आज, क्योंकि अभी टेम्परेचर धीरे धीरे ना डिक्रीज़ हो रहा है इन द सेंस कि अभी सर्दी आ रही है यहाँ पे, और लाइक सितंबर अक्टूबर के बाद से ना टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, मस्त रहता है मौसम। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ड्रेस वगैरह, उसके बाद फिर खाना बनाता हूँ कुछ, बहुत भूख लग रही है मेरे को। सभी मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा राइस बना देते हैं, पहले राइस बनाऊँगा उसके बाद क्या बोलते हैं कि थोड़ा एक करी बनाते हैं। सो मेरा अंडा बॉल पे लगा दिया है, राइस भी बन रहा है, ज़्यादा राइस नहीं बना रहा, थोड़ा सा बना रहा हूँ, आके मत निकल जाना है ड्यूटी पे। ये लास्ट है, जैसे चिली मस्ती की बनाएंगे करी, फिर थोड़ा फ्राई कर लूँगा सोच रहा हूँ इसको, अंडा को थोड़ा ऑयल में फ्राई कर लेंगे थोड़ा, तो इसका थिक हो जाएगा बाहर का पार्ट। ऑलमोस्ट
कई रेडी हो गया है, बस थोड़ी देर थोड़ा सा 5-10 मिनट और चाहिए इसको अच्छे से भाव जाने के लिए। उसके बाद फिर अपना हम लंच कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज सीधे ब्रेकफास्ट कुछ करा नहीं मैंने, सीधे लंच पे ही धावा बोल रहा हूँ, क्योंकि आज कुछ मूड नहीं था। सुबह उठ गया, जिम चला गया, जिम जाने के बाद टाइम नहीं मिला, जल्दी से आया, फ्रेश फ्रेश हुआ, फिर नमाज़ पढ़ने चला गया। नमाज़ पढ़ के आया तभी मेरा मूड बन रहा है कुछ खाने का, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा ही लेते हैं। अगर नमाज़ नहीं पढ़ने जाना होता तो आफ्टरनून में थोड़ा सा मुझे कुछ बनाने का मौका मिल जाता तो मैं बना लेता। खाना बन चुका है, अभी मैं अपने खाने जा रहा हूँ। और ये देखिए करी कुछ इस तरह बना है, मस्त बना है, मतलब मूवी चल रही है मेरी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।